एक स्कूटी पे तीन जन भाई, कतई ना इंसाफी है। विदाउट हेलमेट 3 बंदे, चलो लोकल है तो चलेगा बट मेन। सो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, मेरे को आज काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा है, लाइक आवाज़ से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा, प्लस आँख अपने को खोला नहीं जा रहा है गाइज, और फिर रेड रेड भी हो चुका है। सो मैं बता दूँ गाइज, ये वीडियो 29th को ही आज ही अपन लोग शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई तबीयत भी अपने को सुस्त नहीं लग रहा है। कल अपन लोग शायद वीडियो बना पाएंगे फिर नहीं बना पाएंगे, कोई पता नहीं है, बट 30 और फिर 31st को रक्षाबंधन है, 2 दिन पड़ रहा है इस बार। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गाइज हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से रक्षाबंधन मनाना गाइज, और फिर ये वीडियो 31st को आएगी, तो उस दिन सारे लोग वॉच करोगे। और फिर अभी अपन लोग घर से निकले कुछ काम से, लाइक आप लोग को आगे पता चलते रहेगा इस कि अपना आज का काम क्या है, मस्त वाला काम है, बस वीडियो में बने रहना तब आप लोगों को पता चल जाएगा, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। सो भी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर जाते हैं कहीं पे, थोड़ा सा समझ रहे ना ट्विस्ट वाली है, तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। बाइक चलाने वाला भी शेख है, लाइक पीछे देख सकते हो भी शेख है, और फिर अपना आँख लाल हो चुका है। सो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, पहले देखो ये भी शेख और फिर बाइक पे बैठ गया, और उधर देखो बच्चा झूला झूल रहा है पेड़ पे ही, आम का पेड़ पे, ये देखो नीचे कूद गया। और इधर देखो गाइज पानी नीचे के साइड, क्योंकि बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले हुई थी, अभी बारिश नहीं हो रही। और फिर इधर धान वान का खेत है, इधर तो पूरा हरियाली है गाइज, टोटल जितना भी देखोगे ना सारा जगह धान ही है, और फिर सारे बच्चे इधर हैं। सो अभी यहाँ से जा रहे हैं अपन लोग बिहार शरीफ। कल अपन लोग वीडियो लाए थे ना, उसी टाइम अपने को गाइज थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो गई थी यार। अपन लोग कल का वीडियो जब बनाने गए थे ना, उस टाइम थोड़ा सा ठंडा गर्म अपन लोग ज़्यादा पी लिए थे, इसी कारण से अपने को सर्दी जुकाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी गाइज, उसके कारण आँख मतलब खोला नहीं जा रहा, रेड रेड सा हो जा रहा है, रात में सो रहे हैं तो सर एकदम भारी भारी सा ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब एकदम बोल सकते हो ना, वैसा वाला फीलिंग्स आ रहा है अंदर से, वीकनेस टाइप का, प्लस जो वो बोलते हैं ना उस टाइप का आ रहा है। तो अभी तो फिलहाल गाइज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो वाली कुछ जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला ट्विस्ट है, तो अपन लोग वहाँ जाने के बाद आपको दिखाएंगे गाइज क्या ट्विस्ट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना गाइज, वीडियो कहीं मत छोड़ के जाना। सो और क्या ही बोल सकते हैं गाइज, बस वीडियो में बने रहो, हम सारे लोग ऐसे ही हैं। ये अभिषेक और फिर मेरा भाई क्या बोले यार, इधर भुट्टा का खेत, अरे भुट्टा नहीं भाई सॉरी, ये भुट्टा का नहीं, ये जल रहा है जानवर को खाने वाला, और फिर ये वाली भुट्टा है, तो ये वाली ना बरसाती भुट्टा होती है, हम लोग गाँव की तरफ बोलते हैं ना बरसाती वाला ही बोलते हैं ना अभिषेक, ये बरसाती वाला भुट्टा है, और फिर ये देखो पोपड़ी। सो इधर देखो भाई, इधर खेत का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, और फिर ऐसा वाला रोड देखो, इधर ढलाई होने वाला था, ऐसा हम लोगों ने सोचा था जब ईंट बिछ रही थी ना, उस टाइम सोचे थे ढलाई होगा, लेकिन भाई ये तो ईंट बिछ के ही छोड़ दिया, और ढलाई वलाई कुछ हुआ ही नहीं, नया रोड हमने सोचा था यार बनेगा, बट देख रहे हो रोड का हाल, चलो कोई ना यार। तो ऐसा नया नया रोड तो आप लोग को दिखाते रहते हैं गाइज, हम जिधर भी जाते हैं उधर थोड़ा नया रोड ही दिखाते हैं अपना गांव का, क्योंकि अपना गांव में ना इतना रोड है ना कि भाई देखोगे ना तो सोचोगे यार इतना गांव, एक गांव में मतलब इतना सारा जगह से कैसे निकाल से गाइज, चारों तरफ से बोलो ना, तो अपना गाँव से निकलने के लिए ना कम से कम 8 से 9 जगह का रास्ता होगा पूरा चारों तरफ से, तो क्योंकि बड़ा भी गाँव है गाइज तो ऐसा होना भी चाहिए। और फिर ये देखो इधर का गाइज, ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, इसमें ना कौन सा पढ़ाई नहीं होता होगा गाइज, इसमें सारा कुछ होता है, मतलब इसमें तुम क्या बोलते ना डॉक्टरी का भी पढ़ाई, मतलब डॉक्टरी का जैसे मैं क्या बोल सकते हो ना जो फार्मेसी वाला पढ़ाई होता है ना, डी फार्मा बी फार्मा सारा कुछ होता है, पॉलिटेक्निक होता है, 1 से 10th 12th सारा कुछ पढ़ाई होता है गाइज इसमें, तो ये वाली काफ़ी मस्त वाला था। और फिर इधर देखो भाई पूरा हरियाली हरियाली लग रहा है अपने को। तो फाइनली गाइज हम लोग हाईवे क्रॉस कर गए, ये देखो इधर था, और फिर अभी हम लोग इधर के साइड आ चुके हैं, और अपने को यहाँ से स्ट्रेट मेन इसको बोलते हैं ना बड़ी पहाड़ी देखो, और ये मामू भगना है गाइज, दो पत्थर है ना, बड़ा वाला भगना है और फिर छोटा वाला मामू है, और फिर अपन लोग वही बड़ी पहाड़ी की बाएँ साइड वाले दाएँ साइड वाले रास्ते से जा रहा हूँ। सो भाई हम लोगों ने बाइक का भी चेकिंग करवाया था, मोबिल पीछे की साइड दुकान में, तो मोबिल तो सही है, सारा कुछ सही है बाइक में, बस हवा का कमी है गाइस, तो थोड़ा सा हैंडल इधर उधर हो रहा था, झटका दे रहा था। सो अभी यहाँ से जाते हैं, पहले हवा भरवाएंगे बाइक में, और फिर अंदर मार्केट की तरफ एंट्री लेंगे।
तो भाई जब तबीयत खराब होती है ना यार, तो भाई मतलब मन इतना भारी हो जाता है ना कि आवाज से ही पता चल रहा होगा मन कितना भारी लग रहा है अभी। तो सब तबीयत का देन है गाइस, तबीयत खराब होगा तो यही होगा। और अभी अपन लोग मेन फोर लेन पे आ चुके हैं, यहाँ से अपने को आगे जाएंगे और फिर आगे से लेफ्ट साइड लेंगे गुड एंड द ग्रेट एकेडमी की तरफ से, और फिर उधर देखेंगे कुछ काम वाम हुआ तो सही है, वरना और आगे एक और काम है गाइस इम्पोर्टेंट जो कि मैं आपको ट्विस्ट में रखा हुआ हूँ। सो बस बने रहना वीडियो में। और फिर इधर देखो गाइस, अभी देखो कब तक ये रेडी होता है, ये भी भाई फोर लेन और इधर भाई फोर व्हीलर सेकेंड हैंड इधर से खरीद सकते हो, अभी फिलहाल बंद है ये हड्डी का हॉस्पिटल। भाई इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम हो चुका है ना, क्या ही बोले भाई। ये देखो पानी इतना जम गया ना कि भाई मोटर चला के निकालना पड़ रहा है, देख रहे हो मोटर चला चला के बाहर पानी निकालता है, इतना नीचे एरिया है ना ये सब देख सकते हो, तो पानी तो निकालेगा ऐसे ही ना मोटर से ही निकालेगा ना, प्लस वो देखो एक व्हीकल फंसा हुआ है पानी के कारण ही। और फिर अपने को इधर से ही लेफ्ट लेना है, ये वाली रोड में जाना है, बस चढ़ा दे भाई चढ़ा दे जल्दी से। इधर देखो गाइज काफ़ी दिनों के बाद वो वाइट कलर वाली बिल्डिंग दिख रही है, वो गाइज गुड एंड द ग्रेट एकेडमी था, उससे बचपन में जब बहुत छोड़े थे ना उस टाइम आए थे, करीब एक सप्ताह अपन लोग पढ़े थे फिर छोड़ दिए थे। ये देखो गुड एंड द ग्रेट एकेडमी स्कूल, सो वो वाली गुड एंड द ग्रेट एकेडमी स्कूल है, मतलब जिस टाइम पढ़ने आए थे ना उस टाइम ये सब कुछ भी नहीं था, करीब बोलो ना तो 5-6 साल के होंगे उस टाइम हम लोग उस टाइम आए थे पढ़ने के लिए, तो सोचो कितना छोटा होंगे गाइज। और फिर ये देखो ये मैरिज हॉल, सो अभी चलते चलो भाई। भाई इस रास्ता से आते हैं ना तो अपना सारा ओल्ड मेमोरी जो भी है ना सारा ताज़ा हो जाता है गाइस, क्योंकि इधर काफ़ी पुराना सा मेमोरी रहा है अपना, बहुत छोटे वाला मेमोरी, तो काफ़ी कुछ ताज़ा हो जाता है गाइस इधर आने से अपना। ये गली गाइस बहुत यादगार वाली गली है, और फिर ये रास्ता है ना काफ़ी ज़्यादा यादगार वाला रास्ता गाइस अपना, इधर इस साइड से भी पहाड़ अपन लोग चढ़ते थे पहले, और फिर इधर तो भाई बात ही मत करो, ये भी एक स्कूल था यार पहले, बट स्कूल अब हट गया भाई, मतलब छोड़ा हुआ काफ़ी दिन हो गया ना, तो काफ़ी कुछ चेंजिंग हो गया गाइस, बहुत कुछ चेंजिंग हो गया भाई, बहुत कुछ सारा कुछ बदल गया। और ये देखो एक स्कूटी पे 3 जन भाई, कतई ना इंसाफी है, विदाउट हेलमेट 3 बंदे, चलो लोकल है तो चलेगा बट मेन रोड पर ऐसे नहीं चलाना चाहिए भाई, मतलब कितना ही चौड़ा वाला रोड बन रहा है ये पता है इतना चौड़ा सा क्या है, ये नाला है गाइज, देख के लगता है इतना चौड़ा सा नाला होगा, राइट ले ना राइट ले ले। सो ये चौड़ा वाला नाला था, और फिर इधर गाइज बहुत ही पुराना भाई, आज जहाँ भी जा रहा है ना पुराना सा मेमोरी याद कर रहे हैं गाइज, ये पहले का है बहुत पुराना सा यहाँ का भी मेमोरी। ये देखो एक फील्ड था पहले, ग्राउंड था भाई, क्या क्या बदल गया यार, इधर बैट बॉल खेलते थे पहले अपन लोग, काफ़ी कुछ बदल गया भाई, देख रहा हूँ पूरा बदल गया यार, पूरा मोहल्ला ही बदल गया, ये घर तो बहुत पुराना है ये वाली। और फिर देखो गाइस क्या ही बिल्डिंग बन गया, इससे भी बैट बॉल खेलते थे बोलो, ये स्कूल था बहुत पहले से, अभी भी स्कूल ही है ना, हाँ चलो स्टूडेंट क्लासेस वही अभी तक, तो भाई मतलब पूरा बदल ही चुका है यार पूरा मोहल्ला ही। देखो सारा जगह कार का मॉडिफिकेशन और फिर कार बनता है इधर, कार और बाइक पूरा, चलते चलो भाई। ये देखो मॉडिफिकेशन वाली पार्ट्स सारा, कार का स्पीकर एलॉय ये सब सारा कुछ इधर मिलता है, देखो कार का मैकेनिक सारे लोग इधर है, बाइक प्लस कार हर कुछ इधर बनता है। सो ये पटेल नगर वाली गली है गाइज, यहाँ पे सारा कुछ रिपेयरिंग होता है, ये देखो यहाँ कार पार्किंग भी होता है प्लस बनता भी है, और यहाँ पे ट्रक बनाते हैं, ये ट्रक वाला बनता है मशीन सारा कुछ भाई, मतलब देख रहे हो टोटल कार का स्पेयर पार्ट्स सारा कुछ, इधर भी कार का स्पेयर पार्ट्स। और फिर इधर जाएंगे ना राइट साइड तो श्री लेदर्स, बहुत ही बड़ा वाला ब्रांड है गाइस श्री लेदर्स, आप लोगों को पता नहीं होगा तो पता कर लेना, मेरे से ख्याल से पता ही होगा, ये देखो श्री लेदर्स है इधर, ये देखो ये श्री लेदर्स भाई बहुत ही बड़ा ब्रांड है, यहाँ से अपन लोग एक बार चप्पल लिए थे, बट ब्रांड का क्या बोलेगा, चप्पल तो ऐसे ही टूट गया, तो ब्रांड का इसका वैल्यू हम नहीं देंगे गाइस, अपना सिंपल था गाइस चप्पल, ये देखो रिलैक्सो का काफ़ी दिन से पहन रहे अपन लोग, और इसी भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग भी बनाते हैं, ये देखो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल प्लस यहाँ पे मैकेनिक भी है, बनाते भी है प्लस बेचते भी है। और इधर सरकारी बस स्टैंड है गाइस आगे की साइड, वो वाली दिख रहा है, ये देखो ये सरकारी बस स्टैंड है, यहाँ से सरकारी बस खुलता है पटना की ओर, और सारा कुछ इधर मोटर बोटर ए टू जेड जो जो भी खोजेगा ना
मतलब जो भी मोटर से ये सबसे रिलेटेड होता है ना, सारा कुछ इधर मिलता है गाइस। ये रोड का नाम बता दूँ, हॉस्पिटल मोड़ से डायरेक्ट बराबर का रोड जाता है, इधर ही सारा कुछ आपको व्हीकल्स का टायर वायर सारा कुछ मिल जाएगा यार। फोर व्हीलर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ए टू जेड, प्लस मोटर्स जो भी होती है ना, हेवी मोटर्स जो भी पाइप वाइप होता है ना, वाटर वाली, सारा कुछ इधर मिल जाएगी। देख सकते हो मार्केट भी काफ़ी हेवी वाला लग रहा है यार। सो फाइनली गाइज डेस्टिनेशन रीच्ड, अब लोग आ चुके गाइज जहाँ पे आने वाले थे। तो गाइज मैं पहले बता दूँ, मेरी दीदी यहाँ पे नहीं रहती है, लाइक दिल्ली में रहती है। तो उन्होंने गाइज राखी, जैसा कि आप लोगों को पता है रक्षाबंधन 31st को है, तो उन्होंने राखी मेरे लिए भेजा, हम दोनों भाई के लिए, एक भैया तो गुड़गांव में रहते हैं प्लस हम दो यहाँ पे रहते हैं, तो हम दोनों के लिए राखी भेजे। तो वही डायरेक्ट DTDC में आई है गाइज, तो दीदी का भेजा हुआ राखी समझ ही सकते हो। तो अपन लोग वही लेने के लिए आए हैं और फिर अपन लोग पहुँच भी गए गाइज, तो आप लोगों को दिखाते हैं गाइज कहाँ से लेने के लिए आए। हालांकि मैं बता दूँ पहले DTDC नाम है जहाँ से अपन लोग लेने के लिए आए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से। सो भाई ये देखो, ये वाली DTDC का ऑफिस है, शायद यही है मेरे से ख्याल से। सो यहाँ ही अपना कुरियर आया DTDC में ही। सो ये ऑफिस है, कौन सा ऑफिस है पता नहीं, मेरे को पहले पता करना पड़ेगा, शायद वो वाली ऊपर वाला ऑफिस है। ये देखो ये वाली मेरे को ऐसा लग रहा है। तो गाइस ये भराव पर से ना पहले ही है, सामने की साइड जाओगे ना तो ये भराव पर है, और फिर ये मार्केट वही टोटल मोटर्स वोटर्स का मार्केट है। तो शायद यही है DTDC का ऑफिस। तो अभी अपन लोग जाते हैं और फिर यहाँ से राखी लेते हैं गाइस, पहले यहीं पे आया ना, सो अभी जा ही रहा है। सो भाई आ गए हम लोग अभी, और फिर ये अंकल जी हमको देंगे। हाँ फोन गया था ऊपर ऊपर में, अच्छा चलो ठीक है अंकल जी। सो अभी यहाँ पे तो नहीं है, ऊपर में, क्योंकि ऊपर में फोन आया था मेरे पास, तो इसी कारण से ऊपर में है। अपना मस्त वाला बाइक यहाँ पे पार्किंग, और अभी अपन लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे सीढ़ी से। तो भाई जल्दी से बस चलते हैं और फिर राखी का मजा लेते हैं गाइस, क्योंकि बहन का प्यार होता है ना, तो भाई उसको मतलब कुछ भी हो ले ही लेना चाहिए। हालांकि मेरा तबीयत खराब था, फिर भी हम लोग आ गए क्योंकि यार राखी का बात है यार, तो समझ सकते हो कौन सा DTDC का ऑफिस है, कौन सा है भाई, ये भी नहीं है शायद, इधर है, इधर इधर आ जा। DTDC ये वाली है कुरियर। सो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं, सो भाई आ गए हम लोग, और फिर अपना ये वाली पार्सल है, ये देख सकते हो। तो ये अपना पार्सल है, यहाँ से लिए है। ये भैया को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो लगता है, अंकल जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके बाद भी कुछ करना है क्या अंकल? सिग्नेचर, चलो पकड़ नाम से, अपना नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे। भाई राइटिंग देख लो यार। तो भाई फाइनली हम लोगों ने नाम और सिग्नेचर सारा कुछ दे दिया, और फिर अब यहाँ से देखो यार, मतलब काफ़ी अच्छा अच्छा सी है। मेरा पापा है विजय कुमार। हाँ जी, आई डी प्रूफ तो नहीं है, फोन में दिखा सकते हैं क्या? सो फाइनली भाई मिल गया अपना, और फिर जा रहे हैं। ठीक है अंकल भाई, चलो। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपना ये पार्सल मस्त वाला आ गया, देख सकते हो। ये अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, लाइक देख सकते हो यार काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सो भाई हम लोगों ने पार्सल ले लिया, ये देखो ये पार्सल है। सो भाई इसमें राखी है यार, मतलब दीदी का प्यार, तो अपन लोग राखी तो ले लिए। अभी यहाँ से फटाक से निकलते हैं एक ब्लॉक में, अभी से को कुछ काम है ब्लॉक में। हाँ ब्लॉक ही ना, पोस्ट ऑफिस ना भाई, हाँ सॉरी पोस्ट ऑफिस में काम है। तो अभी यहाँ से अभिषेक बाहर बाइक निकालेगा, फिर पोस्ट ऑफिस जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में अभिषेक का कुछ काम है वो काम करेगा, और फिर घर निकलेंगे गाइस। तो भाई मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना अपने को, हेड में पेन हो रहा है, प्लस हेड एक, प्लस आँख में जलन बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, और प्लस खांसी का तो भाई बता ही नहीं सकते। तो अभी फ़िलहाल ये पार्सल तो ले चुके हैं, अभी यहाँ से जल्दी से निकलते हैं और फिर घर की ओर जाते हैं गाइस, पहले पोस्ट ऑफिस और फिर घर। भाई फाइनली हम लोग पोस्ट ऑफिस भी पहुँचने वाले, लाइक पहुँच गए। ये देखो ये पोस्ट ऑफिस है भाई, इधर ही तो जाना है ना, पोस्ट ऑफिस ही तो है, आगे कहाँ के जा रहा है? उधर से ही बाइक का पार्किंग देता भाई, किधर से तुम लोग घुस जाता है भाई यार, किधर से आ गया यार फालतू यार। चलो कोई ना भाई, पहुंच गया पीछे साइड से, आगे से अंदर पार्किंग होता है।
इधर से ऐसे ही इधर कर दिया ये। फाइनली गाइस अभी अपन लोग सारा कुछ काम कर लिए और ये अपना भैंसासुर पीछे की साइड हॉस्पिटल मोड़ था और ये सामने की साइड भैंसासुर मोड़ है। यहाँ से मोगल कुआं और मोगल कुआं से होते हुए गाइस डायरेक्ट सोसराय और फिर सोसराय से अपना गांव बोले तो घर। तो ये भी देखो ना काफ़ी कुछ बदल गया यार बिहार शरीफ में, पहले वाला तो अब कुछ रहा ही नहीं रहा। ये देखो इधर भी सारा कुछ बदल गया भाई। ये क्या, ओ भाई साहब मतलब रोड में जैसे करते ना ढलाई करते ना उसके बाद बीच बीच में मिट्टी डाल के पानी डालते ना वैसा ही वो भी किया हुआ था। ये देखो कितना प्यारा प्यारा सा पेड़ है यार, ऐसे लगाना चाहिए हर किसी को घर के पास। ये देखो नया नया सा बहुत कुछ बन गया है भाई। ये देखो साले बहन के क्या बोले यार इन लोग को यार, छोड़ो नहीं बोलना चाहिए भाई, मतलब इन लोग बाप का रोड समझ लेता है समझा, देख रहे हो बाप का रोड समझ जाता है वो लोग यार। सो फाइनली गाइज हम लोग अपना सामान लेके घर की ओर आ गए हैं, लाइक बोले तो अभी कुलवाड़ आ चुके हैं देख सकते हो पीछे की साइड गाइज, और फिर इधर देखो अपना गांव आ चुके हैं। और फिर आप सभी लोग को लास्ट में फिर से गाइज हैप्पी रक्षाबंधन, सारे लोग अच्छे से राखी बांधना और घूमना इधर उधर मजे से, अच्छे अच्छे मिठाई खाना, अच्छे अच्छे खाना पीना खाना और घूमना गाइज, और सारे लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ फिर से। सो सोच रहे गाइज यहाँ पर आप लोग ब्लॉग एंड करें, सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। मेरे को पता आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो यार, जल्दी से शेयर कर दो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइज। ये देखो भाई ये अंकल जी काफ़ी ज़्यादा फायर हो रहा है अभी, पता नहीं क्यों फायर हो रहा है, देख सकते हो। ये देखो अच्छा धान चर गया भैंस इसीलिए फायर हो रहा है। ये देख, ये देखो भाई देख रहे हो फायर हो चुकी है अभी पूरा। तो अपन लोग गाइस क्या ही बोल सकते यार, ये देखो डॉगी को इधर लगा हुआ है।